Evening, my friend Mukesh Verma. Today I am going to tell about the present indefinite tense, positive sentences. In Hindi, सकारात्मक वाक्य, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं. पिछले वीडियो में मैंने ग्रामर के कुछ रूल्स लिखवाए थे, उसका वीडियो मैंने बनाया है और ये दूसरा पार्ट है ग्रामर का जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ. So guys, please listen to me carefully, ध्यान से सुनिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे. Otherwise, अगर आप seriously नहीं लेंगे, तो guys you can't learn anything. In any field you can't learn anything if you are not interested. If you are interested, you can learn many things in every field. So now let's start. Please come with me. I am going to start. रूल, फर्स्ट रूल इज, जब कर्ता सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे, प्लूरल नाउन रहता है. प्लूरल मींस क्या होता है गाइस? प्लूरल मींस होता है बहुवचन. और नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं, या किसी व्यक्ति का नाम, जैसे लाइक श्रेयांश, श्रेया, ये क्या है? ये नाउन है. या किसी प्लेस का नाम हो, लाइक कानपुर, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, हरियाणा, ये सब क्या है? ये भी एक नाउन है. और कोई चीज हो, जैसे ये मार्कर है, मोबाइल है, बल्ब है, सीएफएल है, ये सारी चीजें क्या है? कुर्सी है, टेबल है, मेज है, ये सब चीजें जो है, ये चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव होती हैं. और लिविंग थिंग्स में क्या होता है? एनिमल आते हैं और मेल फीमेल, ठीक है. और निर्जीव में जो है ये सारी चीजें जो मैंने बताया ये आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. आप प्लूरल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और नाउन का जो मतलब मैंने आपको बता ही दिया. नाउन की जो परिभाषा आपको एक बार और मैं कंफर्म कर देता हूँ. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या नियम है. वर्ब क्या होता है? तब वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है. वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन. कोई भी एक्शन हम करते हैं, कार्य करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है. वी क्रिएट, वी डू एनी एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्ब. उठना, खाना, पीना, सोना, बैठना, ये सारी चीजें क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है. इसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं. तो ये क्या होता है इसके अंदर? जब सब्जेक्ट आई वी यू दे आएगा तो इसमें वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है. वर्ब में जो भी गो होगा तो गो में यस या यस नहीं लगेगा. और लेकिन जब सब्जेक्ट, कर्ता, सब्जेक्ट ही, सी, राम, सीता, ही मेल के लिए यूज होता है और सी फीमेल के लिए यूज होता है. राम मेल है, सीता फीमेल है. तो इसमें ही यूज करेंगे, ही का मतलब वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है. दोनों का मीनिंग एक है. ही का मतलब भी वह है और सी का मतलब भी वह है. लेकिन ही मेल पर्सन के लिए यूज होता है और सी फीमेल के लिए यूज होता है. सिंगुलर नाउन रहता है जब सिंगुलर नाउन, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन क्या होता है? एक वचन. सिंगुलर नाउन को क्या बोलते हैं? एक वचन. एक वचन नाउन की परिभाषा मैंने बताई थी. सिंगुलर मींस एक वचन होता है, प्लूरल मींस होता है बहुवचन. अब बात करते हैं, तब वर्ब में यस या यस जुड़ता है, यानी ये सब्जेक्ट है. सेंटेंस बनाते समय, वाक्य बनाते समय ही, सी, राम, सीता सिंगुलर नाउन रहता है तो वर्ब में यस या यस जुड़ जाता है. और अगर आई वी यू दे ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसमें वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है, ठीक है गाइस. आई होप, मैं आशा करता हूं ये जो स्टेटमेंट है आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अब बात करते हैं सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे हम प्रैक्टिस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहां यस या यस जोड़ सकते हैं, कहां यस या यस हमें नहीं जोड़ना है. तो सेंटेंस से पहला, मैं खाता हूं, इसका मतलब क्या हो गया? आई ईट. देखिए, मैं, आई मींस होता है मैं, ठीक है, खाता हूं. इसमें ईट क्या है? खाना क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है. तो इसमें आई के साथ देखिए ईट है, वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है. तो मैंने आई के साथ ईट लगा के इसमें यस या यस नहीं जोड़ा है. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं,
इनका मतलब होता है हम, आई का मतलब मैं, तो हम लोग पढ़ते हैं हम या हम लोग, दोनों के लिए वी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वी और इसमें रीड, इसमें भी एस या एस नहीं जुड़ेगा तो रीड हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगता है। अब तुम जाते हो, तुम जाते हो तो देखिए यू है, यू भी एक प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, तो यू के साथ गो का प्रयोग होगा, इसमें भी गो में एस या एस नहीं लगेगा, यू और जाना का गो, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। वे लोग जाते हैं, अब देखिए दे, ये भी एक क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन कहने में, तो इसको बोलते हैं दे गो, ठीक है, दे गो। अब यहाँ पे देखिए अब सिंगुलर नाउन आ गया, ये सब तो प्लूरल नाउन थे। अब राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम रीड्स, ठीक है, इसमें राम और रीड्स, रीड के साथ यस लगा है, ठीक है, ये यस या यस इसमें लगेगा क्योंकि एक वचन है, ठीक है, एक वचन है इसलिए लगेगा राम रीड्स। सीता नाचती है, तो सीता हो गया सब्जेक्ट और उसके बाद नाचती है, तो डांस, डांस मींस नाचना, देखिए इसमें ईएस लगा है, सीता डांसेस, यानी ये एक वचन है सीता, इसलिए इसमें वर्ब में जो है एस या ईएस लगेगा। वह रहता है, वह रहता है, ही रहता है, यानी मेल पर्सन है, पुरुष की बात हो रही है, तो इसमें ही लगेगा और लिव, और उसमें एस या ईएस लगेगा, तो ईएस देखिए इसमें लगा है लिव्स, ठीक है। अब लिखा है वह सोती है, ठीक है, तो वह सोती है यानी कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो वह क्या करेगी यहाँ पे सी होगी, और जब मेल रहेगा तो ही होगी, और वो लड़की रहेगी या फीमेल पर्सन रहेगा तो उसके लिए सी होगा, तो सी स्लीप्स, यानी ही मेल के लिए और सी फीमेल के लिए, सी स्लीप्स। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, ये सारे सेंटेंस हैं जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। गाइस आप लोग भी कोशिश करिए समझने की, क्योंकि जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और गाइस आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप मेरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और घंटी का बटन दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो गाइस थैंक यू सो मच, और आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, अपने लाइफ में अच्छे कार्य करने की कोशिश करें। गाइस ऑल द बेस्ट, गुड बाय।